हेलो बच्चों, पटेल कोचिंग में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग हिंदी सैम्पल पेपर क्लास 10th हिंदी बुक को सॉल्व करते हुए क्वेश्चन नंबर 11 तक आ चुके हैं, जिसका आंसर हमको 60 से 70 शब्दों में लिखना है। तो यह क्वेश्चन बोलता है कि मनुष्यता कविता और अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाली, पाठ का केंद्रीय भाव एक ही है, सिद्ध कीजिए। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर में जो पूछने वाला है वह जानना चाहता है कि दोनों जो कविता है और जो पाठ है उसमें क्या मैसेज दिया गया है, और दोनों का मैसेज एक है कि नहीं, इसको मिलाकर आपको इसके आंसर को लिखना है। तो चलिए बच्चों, क्योंकि ये फोन नंबर मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं और अच्छे से हम लोग लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मनुष्यता कविता, मानव और पशु के अंतर के आधार पर मनुष्यता को मानवीय गुणों जैसे मानव के त्याग, तपस्या, बलिदान के आधार पर समझाया गया है। तो बच्चों, मनुष्यता कविता में मानव और पशु के अंतर को मुद्दा बनाते हुए, मुख्य रूप से समझाते हुए मानवीय गुणों की व्याख्या की गई है, जिससे समाज में मनुष्य ने तरक्की किया है और बाकी जीव जंतुओं से आगे बढ़ के वो आज संसार में सबसे शक्तिशाली बना हुआ है। तो ये मानवीय गुण कौन कौन से हैं? वो है त्याग, तपस्या और बलिदान। साथ ही मानव समाज में एकता, सहानुभूति, सद्भाव, दया और करुणा जैसे गुणों पर बल दिया गया है। तो इस कविता में मानव के जो मूलभूत गुण हैं, जिसमें समाज में एकता, सहानुभूति, सद्भाव, दया और करुणा रहता है, आदि गुणों पे बल दिया गया है। उसी प्रकार अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, पाठ का सारांश भी मानव और प्रकृति का सामंजस्य, अन्य जीवधारियों के बीच मानव का सहानुभूति, सद्भाव, उदारता, प्रेम, त्याग और करुणा पर बल देता है। तो जो दूसरा पाठ है कि अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, उसका भी सारांश यही है कि यह जो है मानव और प्रकृति को सामंजस्य में लाता है और सभी जीवधारियों के बीच में मानव की सहानुभूति, सद्भाव और उदारता, प्रेम, त्याग और करुणा को महत्व देता है। तो इन दोनों जो कविता है और जो पाठ है, इन दोनों का जो सारांश है वही है कि उपरोक्त गुण मानवता की विशेषता को बताते हैं, है ना। ये गुण किसकी विशेषता को बताते हैं? मानवता की। इसी को हम मानवता कहते हैं। अतः सद्भाव, उदारता, त्याग और करुणा दोनों पाठ का केंद्रीय भाव है। इससे सिद्ध होता है बच्चों कि ये जो दोनों पाठ हैं उनका केंद्रीय भाव क्या है, वो मानवता से संबंधित सारे भाव हैं, जिसमें सद्भाव, उदारता, त्याग और करुणा आता है। और ये दोनों ही पाठ को पढ़ने पे हम लोगों को दृष्टिगोचर प्रतीत होते हैं, जिससे स्वाभाविक रूप से सिद्ध हो जाता है। तो बच्चों, आशा करता हूँ इस क्वेश्चन के आंसर से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगा। अगर आप ऐसा ही लिखते हैं तो आपको 44 नंबर जो हैं एग्जाम में ज़रूर मिल जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।